नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन। एमपीपीएससी प्री 19 जून बास वन लाइन फैक्ट्स जीएलसीआईएस इंदौर में आपका स्वागत अभिनंदन। मैं गुरुजी, सक्सेस आपके हाथों में है, जोशो जुनून के साथ तैयारी करें। और आप सभी जानते हैं एमपीपीएससी प्री के लिए लास्ट मंथ में जो जीएलसीआईएस की वन लाइन सीरीज, रामबाण, ब्रह्मास्त्र जो आते हैं वो आपको बहुत अच्छे से देखने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में उनसे रिलेवेंट रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते बिना समय गंवाएं। चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? टी, इलायची, काजू, जो भी ये है इनके लिए लेटराइट सोइल जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी रहती है। काली मिट्टी का रंग काला होने का कारण क्या होता है? ऐसे तो अपन नॉर्मली पढ़ते हैं कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, उसके ब्लैकिश होने का रीज़न क्या रहता है? बेसाल्टी लावा चट्टानों के टूटने से ये बनती है, और उनमें से जो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइड है उसकी मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण से काली मिट्टी जो है उसका रंग काला होता है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस आइलैंड पर है? तो साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा आइलैंड या द्वीप कौन सा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में आता है, एंड्रोट द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी की प्रकृति किस प्रकार की है? जो रेड सोइल्स होती है उसका नेचर किस प्रकार का है? तो वो होती है एसिडिक या अम्लीय। इंदिरा पॉइंट भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, सर्दन पॉइंट जो है वो कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। किस आइलैंड पे है? ग्रेट निकोबार। लघु हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें सबसे नॉर्थ वाला आइलैंड है, लैंडफॉल आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा बुदुन की पहाड़ियाँ व ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? कर्नाटका में। और सेम क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया हुआ जिसमें पूछा है कि बाबा बदुन की पहाड़ियाँ किस मिनरल के लिए फेमस है, आयरन ओर या लो अयस्क। आप जोशो जुनून के साथ जीएलसीआईएस की इन सारे क्या कहते हैं आप लोगों के लिए प्रयास किया जा रहे हैं, उनका जरूर लाभ लेवें। बृहद हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे महान, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? जो दक्कन प्लेटू है उसका जो ईस्टर्न पार्ट है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका ईस्टर्न पार्ट जो है विदर्भ कहलाता है। आपका जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार है उस प्रायद्वीपीय पठार का ऊपरी भाग दक्कन लावा पठार है, और उसका अगर ईस्टर्न पार्ट अपन देखें तो वो क्या कहलाएगा? विदर्भ। दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो, पहली ऊंची चोटी के बारे में तो सबको पता है, दूसरी ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है नीलगिरी जो आपका हिम पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी भी है, और सेकंड टॉपेस्ट पीक भी है साउथ इंडिया में। कश्मीर हिमालय की करेवा मिट्टी किस खेती के लिए जानी जाती है? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि करेवा मिट्टी जो है वो जानी जाती है जाफरान की खेती के लिए। जाफरान जो है, आप अगर सामान्य भाषा में इसे अपन कहें तो केसर। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बृहत हिमालय में। ये थोड़ा डीप से एमपीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो जो मेकल पर्वत श्रेणी है, आपको ध्यान होगा कि जो नर्मदा नदी और तापी नदी वो किस में बहती है? रिफ्ट वैली में। और रिफ्ट वैली के जस्ट ऊपर वाला कोई माउंटेन बनेगा तो डेफिनेटली वो कैसा माउंटेन होगा? ब्लॉक माउंटेन। सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है? ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है। किन पहाड़ियों को पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है? तो पश्चिमी घाट का अधिकतम जो विस्तार है वो है कार्डमम की पहाड़ियाँ, जो इलायची के लिए प्रसिद्ध है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे जो आती है वो वाला पार्ट। और पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने है, जो बिल्कुल छटे हुए मोती है वो आपके सामने लाए गए हैं। सतपुड़ा पर्वत के किस हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है? तो सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से से। यहाँ पे केवल आपको ईस्टर्न पार्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी किस प्रकार का पर्वत है? तो नीलगिरी इज आल्सो ब्लॉक माउंटेन। जीएलसीआईएस आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा गुरुजी के निर्देशन में 20 से अधिक प्राध्यापकों के द्वारा बनी हुई इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम टेस्ट सीरीज, इंग्लिश मीडियम यूनिट वाइज नोट्स, हिंदी मीडियम यूनिट वाइज नोट्स, FLT टेस्ट सीरीज और काफ़ी सारी चीज़ें, और निशुल्क में भी इतना सारा कंटेंट है। आपको एक बार ये एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए, आप इसे एक्सेस करें, यहाँ के कंटेंट को लें। साथ ही यहाँ पे जो वीडियोस बनते हैं जितने भी, उन सब की PDF भी आपको वहीं पे मिलेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते अपन लोग।
फोटुला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? फोटुला पासे सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज? जास्कर। भारत की राजधानी दिल्ली की सीमा किन दो राज्यों से छूती है? तो दिल्ली छूता हरियाणा एंड यूपी। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ जैसे तीर्थ स्थल हिमालय के किस भाग में है? तो दो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे, कश्मीर हिमालय या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। GLCIS MPPSC प्री टेस्ट सीरीज इस समय में टेस्ट सीरीज देने का ये सबसे बढ़िया मौका है, और सेलेक्टेड 10,000 क्वेश्चन जिन्हें हम डेली अपडेट करते रहते हैं, इसमें आपको मिलेगा यूनिट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, FLT टेस्ट, और उसके साथ ही प्रीवियस ईयर 2013 से लेकर 2020 तक सारे क्वेश्चन विद डिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन के साथ। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, और आप एक बार खरीदें, एक मीडियम में खरीदें, दोनों मीडियम की आप एक्सेस कर सकते हैं। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा? कितना प्यारा क्वेश्चन है। श्रीलंका के बाद सबसे ज़्यादा पास हमारा कौन आता है? इंडोनेशिया। सर्वाधिक द्वीपों के समूह वाला देश इंडोनेशिया। कश्मीर हिमालय में स्थित खारे पानी की झीलें कौन सी है? पोगसस व सोमोरीदी। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो पासेज है वो आता है काराकोरम दर्रा, 5,624 मीटर। खारदुंगला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो खारदुंगला दर्रा जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, खतरों से भरा हुआ है, काफ़ी एडवेंचर पसंद करने वाले लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, लद्दाख श्रेणी में। कश्मीर हिमालय में स्थित मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दो झीलें जो हैं कश्मीर हिमालय में स्थित है वो है डल और वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पाइन चरागाह को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल या पयार। अल्पाइन चरागाह को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल या पयार, ये भी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पर्वत माना जाता है, तो विंध्याचल पर्वत जो है इन दोनों के बीच में पार्टीशन का काम करता है, और नदी के रूप में आए तो नर्मदा नदी, और ऐतिहासिक हर्षवर्धन और जो राष्ट्रकूट नरेश है, चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय, क्षमा कीजिएगा, चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय, वहाँ से नर्मदा सीमा का निर्धारण होता है, और उस युद्ध का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल प्रशस्ति में। तो उत्तर भारत और दक्षिणी भारत को अलग करने वाला पर्वत विंध्याचल। कम समय ज़्यादा अध्ययन, ये GLCIS की पहचान। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। कहीं कहीं आप कलसुबाई भी देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। जो पश्चिमी घाट है, अगर बिल्कुल कोस्टल पे जो माउंटेन वाला एरिया है उसको देखिए पश्चिमी घाट, तो कुद्रेमुख जो है आती है, लेकिन अगर पश्चिमी घाट में अगर आप तटवर्ती भाग की बात करें तो वहाँ पे कलसुबाई आती है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो देख लेना साथी, हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हो सकती है। ठीक है, शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियों को पश्चिम में क्या कहते हैं? तो दून या द्वार। जो ऊपर है वो दून, जो मैदानी भाग से लग जाते हैं बिल्कुल आस में, वो द्वार। अल्पाइन चरागाह को कश्मीर घाटी में क्या कहते हैं? तो अल्पाइन चरागाह को कश्मीर घाटी में मर्ग कहते हैं, और ऐसे पंजाब में उन्हें क्या कहा जाता है? बेट। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर आनंद आया। आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें GLCIS ऐप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।